नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। बाप है, पापा है। आपका नाम का? सब्बीर। सब्बीर आलम। पिताजी जी लगते? जी हाँ, मैं लड़का। हाँ जी। आपका बेटा का नाम क्या है? शहबाज आलम। कितना उम्र होगा उसको? उम्र उसका होगा 26-27 होगा। काम करता है? मोबाइल का काम, रिपेयरिंग काम। मोबाइल मिस्त्री, अप्सरा इलेक्ट्रॉनिक में काम करता था। हम लोग सब घर में बैठ कर आराम से गेम खेल रहे थे, काम धंधा था। अभी क्या घटना सुना? सुना घटना सुना कि आपका लड़का का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, वहाँ से जाना, आज तो हॉस्पिटल लेके गया जा रहा है। आज तो हॉस्पिटल भर्ती के लिए एलएम में ले गया। एलएम में लेके आया, थोड़ी देर बाद मालूम हुआ मेरा बहू है। देखिए मेरा बहू है। थोड़ी देर बाद यहाँ फोन आया एम्बुलेंस वाला का कि ऐसा सा बात है। यहाँ आने बाद मालूम होता है उसको कोई गोली मार दिया। गोली मारा? यहाँ पे मारा, सिर में मारा, सर पे मारा। पेट्रोल पंप पास का नाम है उसका? उसका नाम हमको नहीं मालूम है। कौन मारा? हाँ, पहले से। अरे बाबू, क्या कर रहा था? मोबाइल का काम करता हूँ। अच्छा। अभी कुछ दिन तो काम छोड़ दिया, ऐसा ही घूम रहा था ये लफो लोग दोस्त लोग के साथ में। हम बोले बेटा कहीं ढंग से खोज के काम करो। हाँ पापा, काम करें, काम खोज रहे हैं। आज देखो ऐसा घटना हो गया। कौन खबर दिया आप लोग को? हम लोग खबर जाना एम्बुलेंस वाले दिया घर पर खबर। एम्बुलेंस वाले खबर दिया, हम घर पे थे नहीं, हम क्लब में थे। क्लब से बाहर क्लब है, वहाँ बैठ कर। कौन जगह पे घटना हुआ? फाई रोड में हम लोग रहते हैं। घटना हुआ बड़ाकर पेट्रोल पंप के पास। बड़ाकर पेट्रोल सामने घटना हुआ? हाँ, ये घटना हुआ। अभी मैं उसका दोस्त बोला, उसका भाई भी है, पहले का भाई, वो बोला कि ऐसा तो बात है। पेट्रोल बुला करके लेके गया उसका दोस्त। আমরা বিভিন্ন সময় দেখি, অনেক সময় আমার তো অফিস পাশেই, অনেক সময় রাত্রে বিভিন্ন আননোন আমি চিনি না, হয়তো তারা হাতে বেরোচ্ছে, এক জিজ্ঞাসা করলে ওরা দৌড়ে পারে, বুঝতে পারে না। এখানে প্রায় দিন প্রতি আসে, সন্ধ্যার পরে একটা আস্থানা হয়ে গেছে। আজকে শুনলেন? আজকে যে ঘটনা ঘটেছে এটাকে ড্রাগসের কারণে ঘটেছে বলে আমি তো মনে করি তাই হবে, এর থেকে অন্য কিছু নাই। এখানে এসে কিছু নাই, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে আমরা চাই না প্রশাসনকে চাপ দিতে। এবারে প্রশাসন নিজেও দেখছে এটাকে, এবারে দেখুক ঠিক করে।